Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one more problem on transportation. An expressway of 4 lane passing through the flat terrain has the horizontal curve of radius equal to ruling minimum radius. ठीक है, सबसे पहले तो एक एक वर्ड को पकड़ो. रूलिंग, वॉट इज रूलिंग? रूलिंग का मतलब है डिजाइन. ठीक है, रूलिंग का मतलब है डिजाइन. आपको डिजाइन स्पीड लेते हुए मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसका मतलब ये होता है जब भी हॉरिजॉन्टल कर्व आता है, स्पीड का जो फ्रिक्शन के साथ में रिलेशन है और जो आपका सुपर एलिवेशन के साथ में रिलेशन है वो रिकॉल करना चाहिए, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर. ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है. इस जगह पर अगर आप आर निकालना चाहते हैं कभी भी, तो वो निकल जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय ई प्लस एफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 127. तो ये आपका फॉर्मूला है आर निकालने के लिए. अब आप ध्यान दो जरा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी है रूलिंग मिनिमम रेडियस पूछी है. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रूलिंग मिनिमम रेडियस. ठीक है, तो ये चीज मिनिमम करवानी है तो क्या होना चाहिए? अगर मिनिमम रेडियस पूछे तो बेसिकली ई प्लस एफ की मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो आपको आर जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा. और साथ ही साथ में अगर वी को आप डिजाइन स्पीड रख दें, ठीक है, डिजाइन स्पीड रख दें, तो जो मिनिमम रेडियस मिलेगी वो रूलिंग मिनिमम रेडियस कहलाएगी. ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए. रूलिंग का मतलब क्या है, मिनिमम रेडियस का मतलब क्या है, इस तरीके से आप निकाल देंगे. तो आर मिनिमम रूलिंग हम निकालने चलते हैं. रूलिंग, रूलिंग मतलब जो स्पीड रखी जाएगी वो डिजाइन स्पीड रखी जाएगी. क्वेश्चन के अंदर आपको डिजाइन स्पीड गिवन है 110 किलोमीटर पर आवर. तो दिस विल बी व्हाट, 110 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस एफ, और ई प्लस एफ कितना हो जाएगा, ई 0.07. ठीक है, फ्लैट टेरेन के लिए ये यूज किया जाता है 0.07. क्वेश्चन में मेंशन है लेन पासिंग थ्रू द फ्लैट टेरेन. ठीक है, तो प्लेन टेरेन के लिए 0.07 वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू. साथ ही साथ में एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, द लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू 0.15. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को 127, तो ये दोनों ही हमने मैक्सिमम ले लिए. ठीक है, तो आर कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और साथ ही साथ में डिजाइन स्पीड ली है तो रूलिंग मिनिमम रेडियस मिल जाएगी. तो आर मिनिमम अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका 433.07. ठीक है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 433.07 मीटर. ठीक है, आगे चलते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन था आपका कि रूलिंग मिनिमम रेडियस निकालो, वो आपने निकाल ली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द सुपर एलिवेशन. हमको सुपर एलिवेशन फाइंड आउट करना है, तो सुपर एलिवेशन को डिजाइन करना पड़ता है, और डिजाइन करते समय सुपर एलिवेशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, देखो ई प्लस एफ मिलाकर के कितना, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, यही फॉर्मूला है. ठीक है, ध्यान देना, ई प्लस एफ दोनों मिलकर के इस टर्म के बराबर होंगे. ठीक है, तो दोनों का जब कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़ेगा तो कंप्लीट वेलोसिटी के हिसाब से जो टर्म रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएगी. जब डिजाइन करने जाते हैं तो अकेले ई का इफेक्ट कैसे कंसिडर किया जाता है, दिस इज कंसिडर एज 0.75 टाइम्स ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर. तो फॉर्मूला बन जाता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 आर. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी कैन यूज. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं जरा, ई की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर. व्हाट इज वी? वी इज 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय आर. आर गिवन है, क्वेश्चन में निकाल चुके हैं 433.07. तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1242. ठीक है, 0.1242. लेकिन क्या इतना सुपर एलिवेशन आप साइट पर दे सकते हैं? इतना सुपर एलिवेशन साइट पर नहीं दिया जा सकता. सो दिस शुड नॉट बी मोर देन 0.07. इसका मतलब है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन के बराबर सुपर एलिवेशन दे देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.07. तो जब भी सुपर एलिवेशन 0.07 से बड़ा है तो क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है. किसको चेक करते हैं? एफ को चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है एफ भी आपका एक्सीड कर जाए. ठीक है, तो ई की वैल्यू रखी 0.07 प्लस एफ, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर. आर निकाला था 433.07. वैसे इस इक्वेशन को यूज करके हमने ये निकाला था आर. तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली इसको सॉल्व करोगे तो एफ आएगा 0.15. ठीक है, तो यहां से एफ 100% आपको 0.15 मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम लिमिट है फॉर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लैटरल कंडीशन में. ठीक है, तो यहां पर 0.15 मिल जाएगा, दैट इज ओके. तो आपसे पूछा था सुपर एलिवेशन कितना होगा,
तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, सुपर एलिवेशन दिया जाएगा 0.07। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालो। तो क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमको निकालनी है, सो लेट्स कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब दी जाती है डब्ल्यू ई, तो यहाँ पर फैक्टर्स आते हैं डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस, मैकेनिकल वाइडनिंग एंड द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। ठीक है, ध्यान देना, छोटी सी बात है, जब रेडियस 300 मीटर से कम हो यानी कि शार्प टर्न हो तभी आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है स्मूथ कर्व के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेडियस जो आया था वो 433 मीटर आया था, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार कैलकुलेशंस करवा ली जाती है, तो कैलकुलेशन में अगर रिपोर्ट करें तो दिस इज एन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस वी डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट आर। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, IRC का क्लोज लिख सकते हैं कि वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इतनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड होती अगर देते तो। ठीक है, तो N दिया गया है नंबर ऑफ लेन्स, ये 4 लेन आपका रोड है, देखो दिस इज मेंशन इज 4 लेन, तो 4 लेन है तो 4 मेंशन कर दिया। L का मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ द व्हील बेस, अकॉर्डिंग टू IRC दिस इज अज्यूम्ड एज 6.1। ठीक है, तो 6.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 433.07 प्लस वी है 110 डिवाइड बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ 433.07, तो यहाँ से एक्स्ट्रा वाइडनिंग आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ 0.728 मीटर। तो आंसर आ गया क्वेश्चन का 0.728 मीटर। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट वाला जो है इसके अंदर टारगेट लेते हैं आप लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। क्वेश्चन का एक और टास्क भी है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व है उसमें भी आपकी 3 गाइडलाइन लगती है और मैक्सिमम पिक किया जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन लगती है द कंफर्ट कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगती है द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, तीसरी कंडीशन लगती है ऑन द बेसिस ऑफ द IRC गाइडलाइन। ठीक है, तो पहला वाला जो कंडीशन है वो लेकर के चलते हैं, कंफर्ट कंडीशन। देखो कंफर्ट कंडीशन किसको कहते हैं, ठीक है, कंफर्ट कंडीशन किसको कहते हैं कि वहां पर जैसे ही अगर आप स्ट्रेट रूट से किसी कर्व में एंटर करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो अगर एकदम से आर रेडियस का कर्व आ जाएगा तो फोर्स एकदम से स्टार्ट होगा mv² डिवाइड बाय r के बराबर, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो फोर्स एकदम से आए, तो क्या किया जाता है, ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी बोलते हैं इस कंडीशन को टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली, पहली लेंथ आती है इस वजह से। तो कंफर्ट कंडीशन में जो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है उसको निकाला जाता है। तो आपने क्या बोला, इसको सी इज द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनली जब आर रेडियस का कर्व आएगा तो v² / r, पहले जब स्ट्रेट रूट था तो 0 डिवाइडेड बाय टाइम करोगे और टाइम कितना होगा, द लेंथ ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑन दैट कर्व। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहां से हम लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v³ / cr। आपके पास में ये फॉर्मूला डिराइव करवा दिया मैंने आपको, क्योंकि छोटी सी स्टेप थी, जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करोगे बेटर रहेगा। ठीक है, अब सारा डाटा आप रखोगे यहाँ पर मीटर सेकंड वगैरह के अंदर, तो ये डाटा अभी आपका वी का जो डाटा है वो मीटर सेकंड में चल रहा है, तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट करना ना भूलें, एल आ जाएगा 0.278, दिस इज वी का क्यूब डिवाइडेड बाय CR। और सी की जो वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 80/75+v अकॉर्डिंग टू द IRC। ठीक है, तो दिस इज 80/75+110 जब करोगे तो आपको सी मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ सी इज 0.4324। कई सारे बच्चे यहीं से इसको सी लेकर के यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि IRC ने एक और चीज़ भी कही है कि सी की वैल्यू 0.5 से लेकर के 0.8 के बीच में आनी चाहिए। तो अगर 0.5 से छोटा है तो आप कितना ले लोगे इसको, इसको ले लेंगे आप 0.5। ध्यान से सुने बातों को, ठीक है, तो 0.5 यहाँ पर आपको सी लेना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू डाल करके एल निकालो, एल विल बी इक्वल्स टू 0.278 मल्टीप्लाइड बाय वी, वी कितना 110, ठीक है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय सी, 110 था, ठीक है, एंड दिस सी वाज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 433.07, तो यहाँ से लेंथ मिल जाएगी।
132.06 मीटर। तो जो फर्स्ट गाइडलाइन है आपकी, उससे लेंथ जो मिली है वो यहां रिपोर्ट कर देता हूं मैं, दिस इज 132.06 मीटर। सेकंड वाला जो है उसमें आपको केस एज्यूम करना पड़ेगा, अल्टीमेटली मैक्सिमम लेना है तो मैं केस ऐसा एज्यूम करूंगा कि वैल्यू जो है वो लोअर ही आए, ताकि इसका कोई फर्क ना पड़े सेकेंड स्टेप का रेट ऑफ सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो इसमें हम मान लेते हैं सेकेंड केस में, लेट्स एज्यूम द पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के अबाउट रोटेटेड माने, तो अगर सेंटर लाइन के अबाउट पेमेंट रोटेटेड मानते हैं तो इस केस में जो आपके पास में वैल्यू आती है ई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, जो आपके पास में ये हाइट मिलता है, दिस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय ई टाइम्स ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एन। तो फार्मूला यूज कर लें, दिस इज 0.07, डब्ल्यू आपने निकाला हुआ था, डब्ल्यू क्या है, चार लेन का रोड है तो 3.5 मीटर पर लेन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, और डब्ल्यू ई भी आपने कैलकुलेशन में निकाला था तो उसको भी यूज कर लेते हैं, 0.728 डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एन। एन जो फ्लैट ट्रेन के लिए यूज किया जाता है वो 150 होता है, तो यहाँ पर आप 150 यूज कर लें, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 77.322 मीटर, ठीक है, दिस वैल्यू इज 77.322 मीटर, 77.322 मीटर। यहाँ पर जो तीसरी गाइडलाइन बची है वो क्या है, आईआरसी की गाइडलाइन, ठीक है, तो एच पर आईआरसी फ्लैट टेरेन के लिए जो लेंथ ऑफ द कर्व दिया जाता है वो आपका दिया जाता है 2.7 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 433.07, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल लेंगे 75.438 मीटर, ठीक है, तो दिस इज 75.438 मीटर, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड केस में आप ये भी अज्यूम कर सकते थे कि पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट द इनर एज, तब इस वैल्यू का डबल आता, तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए, आप सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के पर्पज से आप हमेशा सेंटर लाइन मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, ताकि ये रिजल्ट आपका क्वेश्चन के आंसर को अफेक्ट ना करें, सीधा सीधा आंसर अभी भी क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो कि कंफर्ट कंडीशन से आ रही है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व का आंसर हो जाएगा 132.06, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन था सजेस्ट द बेस्ट सूटेबल शेप फॉर द ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व के लिए अगर बेस्ट शेप की बात करें तो वो क्लोदर्ड स्पाइरल होता है जो कि आईआरसी ने सजेस्ट किया हुआ है, उसके अलावा लेमिनस्केट भी यूज कर सकते हैं, क्यूबिक पैराबोला भी यूज कर सकते हैं, बट एज पर द आईआरसी जो बेस्ट सूटेबल शेप है वो आपकी क्लोदर्ड स्पाइरल है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।